Congress leaders, insiders are actually telling us that all these procedural issues which are being fired up right now by the Congress party and only to somehow delay the counting. I'm joined by top JDU leader KC Tyagi. KC Tyagi ji, namaskar. Good evening. Can you hear me? मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ. कैसे हैं? नमस्कार. त्यागी जी, ये क्या हो रहा है वहाँ पे? लोग श्योर नहीं है जेडीयू के जो एमएलए किसके लिए वोट किया, किसके लिए नहीं किया. आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है? देखिए, जनता दल यू का और भारतीय जनता पार्टी का जब से बिहार में गठबंधन बना है जी, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी और जगह पर भी हमारी परफेक्ट तालमेल है. नीतीश कुमार जी ने चुनाव आयोग को सूचित किया है, मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि ये एंश्योर हो जाए कि छोटू भाई बसावा जो हमारे एकमात्र एमएलए हैं वो वोट करें. भूपेंद्र यादव जी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं वहाँ पर जी. उन्होंने थोड़ा देर पहले ही मुझको फ़ोन पे सूचित किया है कि थैंक यू त्यागी जी, आपकी पार्टी के विधायक श्री छोटू भाई बसावा ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया है और वोट दिया है. तो मैं उनकी बात का बहुत विश्वास करता हूँ. त्यागी जी, आपको पूछना चाहूंगा, तो ये खबर क्यों आई कि अहमद पटेल छोटू भाई वालसाड़ा जी के घर पे गए, उनको थैंक यू बोला कि आपने हमारे लिए वोट की, बीजेपी के लिए नहीं की, ये क्यों हुई, ये बात क्यों निकली? क्या आपको लगता है किसी तरह की, मैं वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं यूज करना चाहता, किसी तरह की राजनीतिक गद्दारी हो सकती है इसमें कि आपकी पार्टी भी चलेगी? नहीं, मैं नहीं मानता. आप नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, चूंकि पहले से उनका इस तरह का प्रचार उनके बारे में था जी. नहीं, वो कहते हैं कि करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए. नहीं, वो जैसे अभिषेक हमारे साथ है, अभिषेक कपूर हमारे वरिष्ठ, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है, वो भी ये सवाल पूछना चाहेंगे, उनको बीच में डालें. तो क्योंकि अभिषेक, सवाल, द क्वेश्चन वॉज बेसिकली ऐश्वर्या, सवाल तो यही था ना ऐश्वर्या की छोटू भाई वलसाड़ा किस साइड पे है, बिकॉज इफ ही हैज कंफर्म, नाउ दिस इज ब्रेकिंग न्यूज राइट नाउ, दैट द जेडीयू टॉप लीडर केसी त्यागी इज टेलिंग अस दैट ही इज गॉट अ कॉन्फर्मेटरी कॉल फ्रॉम भूपेंद्र यादव that Chotu Bhai Valsad has voted for the BJP. This gives the BJP the edge. This explains, इससे पता चलता है कि अभी जो कांग्रेस पार्टी की नर्वसनेस हो रही है ऐश्वर्या क्यों हो रही है, इससे इससे साफ पता चलता है वो नर्वस क्यों. Absolutely, Arnab, and that's right. And now when we have KC Tyagi confirming here at Republic himself in person that yes, he's got a call from Bhupendra Yadav, it should be taken as the line that yes, JDU has voted for BJP. Yeah. And this once again creates the numbers. And as you were just said, this shows the frustration on part of the Congress party. Why do they want to really negate the votes of those two Congress MLAs who showed their votes to Amit Shah right prior to vote? So that's exactly why now we are also getting this information, Arnab, and we would want if Abhishek could rather confirm it to us that just a minute prior, counting has begun. So this is something which Abhishek needs to confirm. We are being told by our sources within the secretariat there that counting has just begun. If we can have Abhishek there, Arnab, and if you can just confirm Abhishek, it to us I'll now. Go to Abhishek. Uske pehle main ek bar aur ek aakhri sawal, Tyagi ji ko puchna chahta hu. त्यागी जी, ये सब कांग्रेस पार्टी बोल रही है इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, वोट फिर से कराइए, सब गलत हुआ, सब बंद कर दीजिए, रद्द कर दीजिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो इलेक्शन हो गया अब, हो गया अब, इस पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं खुद राज्यसभा का चुनाव लड़ चुका हूं अर्णव जी और जीत चुका हूं जी. वहां पे जिस तरह का अरेंजमेंट होता है जी, उसके तहत जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एजेंट के साथ वोटर का बिहेवियर है, वो सब एक्सपोज होता है जी. इसलिए ये वोट पहले से आई, एग्री विद यू, जेडीयू की वोट अब से 15-20 दिन पहले मानी जाती थी इट विल गो टू द कांग्रेस पार्टी. लेकिन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं पटना में, उसका पटना का असर अहमदाबाद में भी हुआ है बिल्कुल. और जब पार्टी के महामंत्री इंचार्ज भूपेंद्र यादव जी कंफर्म करने हैं दैट ही इज सेटिस्फाइड कि जेडीयू एमएलए वोटेड फॉर बीजेपी, उसके बाद तो ये विवाद खत्म हो जाता बिल्कुल, है. और उसके बाद वो अमित शाह जी से भी मिले हैं जी. जी ना, बिल्कुल बिल्कुल.